दोस्तों आज की कहानी है, मम्मी जी मेरे पैसों पर सिर्फ मेरा अधिकार है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी मेरी सासा की लड़की की शादी है और मैं साथी हूँ। आप मुझे कुछ गहने पहनने को दे दीजिए। कौन से गहने बहू? सविता जी ससमे को आंख पर सडाते हुए बोली। जी जो आपने फेरों के समय मुझे गले का सेट, सेन अंगूठी, बाजू बंद, पायल सडावे में सडाए थे वही वाले मांग रही हूँ। वह तो तुम्हारे ससुर जी ने लॉकर में रख दिए। हाँ तो एक दो दिन में मंगवा लीजिए। शादी को अभी 10 दिन बाद बाकी है। मुश्किल है बहू, तुम्हारे ससुर जी बैंक के शक्कर काटे क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। आने जाने में तकलीफ होती है, बैंक में उन्हें इंतजार करना भारी लगता है और फिर इतना महंगा जेवर घर लाना सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। इसीलिए तुम राजकोट की ज्वेलरी क्यों नहीं पहन लेती? मेरे पास काफी है। तुम साओ तो कुछ भी सुन लो। अपने गहनों के डिब्बे की तरफ हाथ का इशारा करते हुए बोली। नहीं मम्मी जी, मुझे तो अपने ही गहने पहने। आपने कितने शौक से सजाए थे, उन पर मेरा हक है। ऐसा कीजिएगा, अभी मंगवा दीजिए, फिर मैं अपने नाम से लॉकर ले लूँगी और उन्हें संभाल कर रखूँगी ताकि पापा जी को कोई तकलीफ ना हो। नंदिनी बहु मान गए तुम्हें, मायके से तुम्हें सगुन के 11 रुपये नहीं मिले और हमारे सामने खड़े होकर हक की बातें करती हो। तुम कान खोलकर सुन लो, वह गहने सिर्फ दिखावे के थे। एक बार दिखाया, अब कभी दूसरी बार तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। पहनना तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए ख्याली पुलाव पहनना छोड़ दो। वैसे भी वह मेरे गहने थे, पॉलिश करवा कर दिखावे में सडाए थे जो वापस ले लिए। मैं तुम्हें इशारे में समझाना चाहती थी मगर तुम हो कि मानती ही नहीं, इसीलिए सच्चाई बता रही हूँ। अब जाओ अपना काम करो, सविता जी ने सिड़ाते हुए कहा। नंदिनी और सौरभ की शादी को अभी 3 महीने हुए हैं। नंदिनी अपनी ससेरी बहन की शादी में जाने के लिए गहने मांग रही हैं मगर सविता जी का जवाब सुन उसके होश उड़ गए। इतना बड़ा धोखा, ऐसे धोखेबाज लोगों से मेरा सामना होगा, मुझे पता नहीं था। नंदिनी कमरे से बाहर जाते वे सोच रही थी। भाई साहब, एक ही बेटा है हमारा, उसके लिए हमें नंदिनी जैसी शिक्षित, आत्मनिर्भर और सुशील लड़की चाहिए थी। आज हमारी तलाश पूरी हुई। हमें देश में 1 रुपये नहीं चाहिए। किशोरी लाल जी की छोटी सी किराने की दुकान थी, आय का साधन रोज खाने कमाने वाला ही था। जब 3 बेटियों के पिता के पास सौरभ जैसी नौकरी पैसा लड़के का रिश्ता आया तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी नंदिनी का विवाह करने में देर ना लगाई। वैसे भी नौकरी करते करते नंदिनी 30 की हो गई थी, बाकी 2 लड़कियों को भी ब्याहना था तो देर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए उन्होंने जट मंगनी पट कर दी, लेकिन यहाँ का पता सला ना तो वह घर में मर्जी का खाना बना सकती है, ना कुछ खरीद सकती है, ना अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती है। आखिर तक पढ़ लिख कर नौकरी कर उसने किया क्या? जब उसे गूंगी गुड़िया की भांति ही बनकर रहना था। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकती, अपने लिए बोलना ही होगा। खैर 4 दिन बाद घर पर एक आदमी आता। नंदिनी ऑफिस में थी, सास सत्संग में गई हुई थी, कॉलेज से आई ननन टीवी देख रही थी। अपने मनोरंजन में खलल पड़ते ही गुस्से से दरवाजा खोलकर देखा तो नंदिनी मैडम की ज्वेलरी का बिल है, साथ में वो ने ज्वेलरी बॉक्स मांगा था।
उस दिन दुकान पर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए आज देने आया वो। बोल फूल लड़का सजदा बना, बेल देखते ही ननन्नीता की होश उड़ गई। इतने में सविता जी परस जलाते हुए सली आ रही थी। क्या हुआ, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा माँ? अगर आप इस बिल को देखोगी तो आपको भी पसीना आ जाएगा। ऐसा क्या है, आपकी बहू ने गहने खरीदे हैं वह भी पूरे 2 लाख के। ये तो बहुत गलत है ना, मुझसे तो कह रही थी एक जींस खरीदने के लिए, पैसे नहीं है। यहाँ पर तो सोना चांदी खरीदा जा रहा। सही है भाभी का तो एक हम ही हैं कंगले। तू सुप कर मुझे देखने दे। सविता जी को कुछ बात समझ में आई। अच्छा, मैंने गहने देने से मना कर दिया तो महारानी ने खुद से खरीद लिया। इसकी इतनी हिम्मत आने दे, ऑफिस से अभी बताती हूँ कि सास क्या चीज होती है। इतना बड़ा धोखा करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा, अपनी सैलरी के सारे पैसे उड़ा दिए। थोड़ी देर में नंदिनी और सौरभ ऑफिस से घर आते। बहू, तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमसे कहा कि सैलरी पीपीएफ अकाउंट में खत्म हो रही, रुपयों से गहने खरीदे जा रहे। इस धोखे के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सविता जी तम तमा गई अपनी माँ की बात सुन। सौरभ भी गुस्से से लाल बोला, तुमने अपने सेविंग के पैसे खर्च कर दिए। नंदिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे 2 लाख के गहने खरीदने की? मैं तो हमारी सहूलियत के लिए कार की डाउन पेमेंट तुमसे लेने की सोच रहा था और तुमने सारे पैसे 2 कौड़ी के गहनों में लुटा दिए। तुम्हें मुझे धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? धोखा धोखा धोखा, पहले सोच समझ कर लो कि कौन किसको धोखा दे रहा है। और अगर सच में मैंने धोखा दिया भी है तो सासू माँ धोखा देना आपसे ही सीखा है। सौरभ, मैंने मम्मी जी से पहनने के लिए गहने मांगे, उन्होंने कहा वह गहने उनके हैं, सिर्फ दिखावे के लिए सड़ाए गए थे। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा सामान बोलकर मम्मी जी अपना बोल रही हैं। और आपने ही कहा था ना, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी है, तुम जो सब करो। इस बात में भी धोखा था, आप मेरी सैलरी से अपने सपने सच करना चाहते हैं जो कि सरासर गलत है। मेरे पैसों पर मेरा हक है तो मैंने उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए खर्च कर दिया। अब आप ही बताइए कौन किसके साथ धोखा कर रहा है, फिर आकर सिलम सिली कीजिएगा। तीनों की बात सुन ससुर देवराज जी बोले, सौरभ बहुत सही कर रही हैं, तुम्हारी माँ ने धोखा तो मुझे भी दिया है, इसने मुझसे पैसा तो बहू के गहने बनवाने के लिए ही लिया था और गहने बने भी, मगर उन्हें अपना नाम लेकर लॉकर में रख दिए। और तुम्हें तो अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को आगे बढ़कर पूरा करना चाहिए था, मगर तुम तो अपने ही सपने संजोने लगे। अगर कार खरीदनी थी तो अपने पैसों से खरीदो, बहू के पैसों पर नज़र रखने की जरूरत ही क्या है? हम उसकी मर्जी होती तो वह देती जैसा तुम करती हो। हमने भी कभी तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं मांगे, फिर बहू के पैसे तुम्हारे कैसे हो गए? फिर बहू का पैसा वह जो सही करे, इसमें धोखा भी कहाँ से आ गया? सारों ही अपनी बात बोलकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि धोखा हुआ किसके साथ है। पति पत्नी को झूठी बातों में फंसा रहा था। इधर सविता जी अपने पति से पैसे लेकर उन्हें और बहू को भी धोखा दे रही थी। बहू जिसे जरूरत थी तो गहने खरीदी।